हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी तक कैलकुलेशन जितना भी वर्क किया होगा वो एक्सेल में किया होगा, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि हम एमएस वर्ड में किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए जाने। तो सबसे पहले मैं आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ कि हम कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका मेरा है, इसमें मैं आपको क्या बताऊँगी, जैसे कि हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना है, आपको फिर इक्वल की प्रेस करनी है। इसके बाद हम जिस डिजिट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो हम कीज में एंटर करेंगे, डिजिट एंटर करेंगे। तो उसके बाद हम, जैसे कि मैं इसमें पहले प्लस करके दिखाती हूँ आपको, जैसे 5 प्लस मैंने 8 ले लिया। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है, फंक्शन की में जो F9 होता है हमारा उसको प्रेस करना है आपको। तो देखिए इसका कैलकुलेशन इस तरीके से हो चुका है। अब इसमें मुझे माइनस करना है, तो माइनस के लिए भी सेम हम यही तरीका करेंगे। तो फिर से हम करेंगे कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे एंड इक्वल की प्रेस करेंगे। अब मुझे जो डिजिट माइनस करनी है उसको एंटर करेंगे। तो जैसे कि हम इसमें से ले लेते हैं 12 माइनस 10, तो ये ले लिया मैंने। और इसमें मुझे करना है फिर से कीबोर्ड से F9 की। तो देखिए ये भी मेरा इस तरीके से हो चुका है। टू इसमें माइनस, हमने 12 में से 10 माइनस किया था, 2 आंसर आ चुका है हमारा। अब इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए भी हम इस तरीके से करेंगे। कंट्रोल फिर से F9 प्रेस करेंगे, इक्वल देंगे। अब मैंने इसमें 4 मल्टीप्लाई 2 दे दिया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, कीबोर्ड से F9 की प्रेस करेंगे, फंक्शन की वाली जो F9 की होती है हमारी, ये। तो देखिए ये भी मेरा इस तरीके का आंसर आ चुका है इसका। हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड के लिए भी हम इसी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल F9, फिर इक्वल दिया मैंने। अब मैंने 6 डिवाइड 2 ले लिया और इसको मैंने 9 प्रेस किया, और देखिए इसका आंसर भी आ चुका है। तो ये तो मेरा हुआ मल्टीप्लाई, इसमें कैलकुलेशन सभी आ चुकी है मेरी, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई सभी मैंने कर चुकी हूँ। तो देखिए फॉर्मूले के द्वारा हम किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो अब ये मैंने देखिए टेबल ये बना रखी है, छोटी सी टेबल बना रखी है। इसमें मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। तो ये टेबल के अंदर मैं क्लिक कर चुकी हूँ। यहाँ मुझे करना है, अगर इन सभी डिजिट का अगर प्लस करना है तो कैसे करेंगे हम, तो ये लेआउट ऑप्शन दे रखा है, मेरी मेन्यू बार है हमारी, इसमें मैं लेआउट पर क्लिक करूंगी। इसके बाद देखिए फॉर्मूला का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करना है मुझे। अब इसमें देखिए हमको कैसे करना है, या आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला बॉक्स में पॉपअप विंडो ओपन हो चुकी है मेरी। इसमें इक्वल सम ब्रैकेट ओपन एंड लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज ये दे रखा है। अब आपको इसमें ओके करना है। तो देखिए इन सभी का आंसर भी इस तरीके से आ चुका है। देखिए ये तो मेरा हुआ लेफ्ट साइड में, इस तरीके से इसका टोटल हो चुका है। अब मुझे इसके डाउन में करना है, जैसे कि नीचे इसमें इन सबका कॉलम वाइज टोटल करना है, तो हमने रो वाइज कर दिया। अब इसमें मुझे कॉलम वाइज टोटल करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से हमको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ये ऑप्शन दे रखा है फॉर्मूला वाला। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या लिख कर आ रहा है, जब यहाँ पर लेफ्ट लिख कर आ रहा था, अब इसमें अब लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ओनली ओके ही करना है। तो देखिए इन सब का भी इस तरीके से टोटल आ चुका है, ठीक है। अब इसमें आपको और क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ तो कर दिया, अब आपको मैं बताऊंगी कि हमारा ये ऊपर वाले डिजिट जो है, जैसे 22 है एंड 15 है इन और 8 लिखा है, तो हम चाहते हैं कि मुझे अगर बीच में टोटल करना है, जैसे मैंने डिजिट हटा दी यहाँ से, ठीक है, ये डिजिट मैंने यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा इन सब का टोटल, डाउन वाली जो डिजिट है और अप वाली जो डिजिट है, इनका टोटल यहाँ पर आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में प्लस करने के लिए फिर से हम यहाँ पर जाएंगे, ये लिखा है हमारा फॉर्मूला ऑप्शन, यहाँ देंगे क्लिक करेंगे, और ये अब जो ऑप्शन लिखा है इसके ब्रैकेट के अंदर हम कर्सर को रखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसमें आपको लिखना है वेल रोल, यहाँ लिख देंगे वेल रोल लिख देंगे, और इसके बाद सिर्फ आपको ओके ही करना है। तो देखिए इन सभी का टोटल भी इस डिजिट के अकॉर्डिंग आ चुका है, ठीक है। तो हमने जो बताया अभी आपको कि हम डाउन में कैसे इसका डिजिट को प्लस कर सकते हैं, लेफ्ट में कैसे प्लस कर सकते हैं, अगर हमको बीच में डिजिट को प्लस करना है तो हम इस तरीके से डिजिट को भी प्लस कर सकते हैं बीच में करने के बाद, ठीक है। ये तो इनका यहाँ पर टोटल हो चुका है, ये 140 आ चुका है। अब मुझे अगर यहाँ पर टोटल करना है, जैसे कि ये नीचे यहाँ मैंने क्लिक किया है, अब मुझे इसमें और कैसे टोटल लगाया, अगर मैं कीबोर्ड से टाइप करने के बाद इस पर टोटल करूंगी सम फॉर्मूले से ही, तो उसके लिए आपको कैसे लगाना होगा फॉर्मूला, हम फिर से करेंगे कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, इक्वल देंगे, फिर इसमें सम टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें
जैसे कि अभी तक फॉर्मूले में लिखा था लेफ्ट, तो हम यहाँ भी लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट लिखेंगे इसमें LEFT लेफ्ट लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे। तो देखिए इन सब का भी टोटल इस तरीके से आ चुका है। चाहे तो आप कीबोर्ड से टाइप करने के बाद भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें और भी है, जैसे कि हम फिर ऑप्शन को ओपन करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, तो देखिए इसमें आप बहुत से फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं, जैसे कि एवरेज भी निकालना है, इसका काउंट है, बहुत सारी ऐसी फाल्स इफ मैक्स, अगर आप किसी भी मैक्स संख्या को निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। आप इन सभी फॉर्मूला का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारा तो हो चुका है, मैं आपको जो बताने के लिए थी वो मैंने आपको इसमें बता दिया है कि हम कैसे कैलकुलेशन एमएस वर्ड में कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन होगा अभी तक का कि हम एमएस वर्ड में क्या कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से इसमें समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू।